हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। खैर, आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो द एनिमल शलजम के बारे में है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उन्हें अपने बगीचे में सब्जियां उगाना बहुत पसंद था और उनकी शान और खुशी उनके शलजम थे। वो हर दिन उनकी देखभाल करता था, पानी और निराई करता था और वे बड़े और बड़े होते गए। एक दिन उसने देखा कि एक शलजम इतना बड़ा हो गया है कि उसका ऊपरी भाग मुश्किल से दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा था। वो जानता था कि उसे जमीन से बाहर निकालने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो इसे करने के लिए दृढ़ था। बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत से खींचा और खींचा, लेकिन शलजम तस से मज नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी को उसकी मदद के लिए बुलाया और उन्होंने एक साथ खींचा और खींचा, लेकिन शलजम फिर भी नहीं निकला। तभी वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की ये देखने के लिए रुकी कि क्या हो रहा है। उसने वृद्ध दंपत्ति से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और उन्होंने समझाया कि वे विशाल शलजम को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी लड़की को एक तरकीब सूझी। वो अपने दादा और दादी को लेने गई, फिर एक पड़ोसी, फिर एक राहगीर, फिर बच्चों का एक समूह और सभी ने मिलकर शलजम खींचा। सभी की संयुक्त ताकत के साथ आखिरकार शलजम जमीन से बाहर आ गया और वे सभी पीछे की ओर ढेर हो गए। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और सभी को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन सभी को एक दावत में आमंत्रित किया, जहां उन्होंने भुना हुआ शलजम, शलजम का सूप, शलजम पाई और शलजम से बनी हर दूसरी डिश खाई, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उस दिन से बूढ़े आदमी का बगीचा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से विशाल शलजम को देखने और स्वादिष्ट शलजम व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आने लगे। छोटी लड़की हीरो बन गई और सभी ने उसे उस दिन याद किया जिसने दिन बचाया था। लेकिन बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी उस दिन मिले पाठ को कभी नहीं भूले। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी जब एक चुनौती का सामना करना पड़ता है तो दूसरों से मदद मांगना सबसे अच्छा होता है, और जब लोग एक साथ आते हैं तो आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं। साल बीत गए और बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए और अंत में उनका निधन हो गया। लेकिन विशाल शलजम की केवदंती जीवित थी और हर बार जब लोग किसी समस्या को हल करने के लिए इकट्ठे होते थे तो उन्हें बूढ़े आदमी और उसके शलजम का पाठ याद आता था, और इसलिए विशाल शलजम की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। लोगों को टीमवर्क की शक्ति और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के महत्व की याद दिलाती थी। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की एक सुंदर लोक कथा सुने। आप सभी का धन्यवाद जो कहानी देखते और सुनते हैं। फिर मिलते हैं।